Thank you for asking this pertinent question about spinal fusion surgery. As we all know that our spine is made of two vertebra and a disc intervening. This is a spinal unit. One spinal mobile unit is made of two vertebra, one and one here, and in between the disc. Disc provides mobility, and the strong structure of the spine, which is protected all around by the bone, provides protection to the neurological structure, which is very, very vital importance, which comes from our brain and descends into the sacrum. So spine has a very challenging and opposing two roles. It has to provide stability, by that we can stand in the erect posture, and at the same time spine has to provide flexibility, so that we can bend up to 180 degree, we can rotate, we can do side bending. So I must say spine has a very difficult role to play, not only to provide erect posture, but also to provide mobility in all around positions. So any surgery which leads to fixation of the spine is known as spinal fusion surgery. So why it becomes important? What are the needs of spinal fusion surgery? For our common people, I would like to speak in Hindi. Spinal fusion surgery kyon jaruri hai, ye hamare se bar bar pucha jata hai. To hum usko batane se pehle ye batana jaruri hai ki hamari spine kaise kaam karti hai. Spine bani hoti hai do vertebra ki haddiyon se, aur beech mein ek spacer challa hota hai jisko ki disc bolte hain. Spine ko do ऑपोजिट काम करने होते हैं. एक तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है स्पाइन को, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं. विदाउट स्ट्रेट स्पाइन, विदाउट स्टेबल स्पाइन हम खड़े नहीं रह सकते हैं. दूसरा, स्पाइन को जो करना होता है मूवमेंट के लिए काम करना होता है. हमें आगे भी बेंड करना होता है, साइड में भी, रोटेशन भी. तो स्पाइन का जो काम है बड़ा चैलेंजिंग है. नॉट ओनली इसको स्टेबल रखना है हमारे शरीर को, बट इसको मूवमेंट भी लेके आना होता है. स्टेबिलिटी के साथ साथ जो नसें होती हैं, जो दिमाग से आती हैं, उसको भी उसको बचा के रखना होता है. जैसे स्कल के अंदर दिमाग प्रोटेक्टेड होता है, उसी तरह से स्पाइन के अंदर जो नसें होती हैं दिमाग से आ रही होती हैं, उनको बचा के रखना होता है. तो स्पाइनल जो फ्यूज़ करते हैं, स्पाइन को फिक्स कर देते हैं, वो क्यों ज़रूरी है, ये काफ़ी बार हमारे से पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बग़ैर फ्यूज़ किए क्यों नहीं आप ठीक कर सकते हो. समझने की बात है कि ज़्यादातर 100 में से 90% पेशेंट जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उनको या तो नसें दब जाती हैं डिस्क निकलने की वजह से, या कोई ट्यूमर हो जाता है, या कोई फ्रैक्चर हो जाता है चोट लगने की वजह से, जिससे कि नस के ऊपर काफ़ी प्रेशर और दबाव आ जाता है, जिससे कि कमर से ज़्यादा दर्द पाँव में जाता है, पाँव में खिंचाव आता है, पाँव में सुन्नापन हो सकता है, पाँव में वीकनेस आ सकती है. तो ये सारी दिक्कतें नसों की दबने या कटने की वजह से होती है. जब भी हमें नसों तक पहुंचना होता है उसको डिस्क को निकालने के लिए, या ट्यूमर को, कैंसर को निकालने के लिए, या हड्डी जो टूट गई है उसको ठीक करने के लिए, हमें नसों को खोलना पड़ता है. नसों को खोलने के लिए हमें जो पीछे हड्डी बनी होती है इसको काट के हटाना पड़ता है, तभी हम नसों तक पहुँच सकते हैं. तो जब ये नॉर्मल हड्डी यहाँ से हट जाएगी तो समझने की बात है कि नसें अनस्टेबल हो जाएंगी, स्पाइन अनस्टेबल हो जाएगा, और उसकी जो कैलकुलेटेड मूवमेंट्स होती है कुछ डिग्रीज की हर लेवल पे, वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसको नसों को और ज़्यादा डैमेज होने का डर रहता है. अगर हम उसको स्टेबल नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, तो नसों का डैमेज होना और बढ़ सकता है. तो स्पाइनल फ्यूजन में हम क्या करते हैं, हालांकि कई सारे तरीके हैं स्पाइन को फ्यूज़ करने के लिए, बट जो मॉडर्न जो आजकल तरीका है उसको हम बोलते हैं पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन. पेडिकल स्क्रू किसको बोलते हैं, स्पाइन में जो बॉडी होती है, एक तो ये राउंड वाला वर्टिब्रल बॉडी होता है, पीछे जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कमर की तरफ होती हैं वो स्पाइनस प्रोसेस और लेमाइना होते हैं. बीच में जो होल दिखाई देता है इसमें से नस आ रही होती है, और इन दो नसों को जो जोड़ने वाली जो स्ट्रॉन्ग बोन होती है अराउंड 1 सेंटीमीटर थिक, ये जो चैनल इधर होता है इसको पेडिकल बोलते हैं. तो स्पाइन को फिक्स करने के लिए हम पेडिकल स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं. पेडिकल स्क्रू आप इस मॉडल में अगर देख पाएँ
तो ये हड्डी के अंदर एक पेच गया हुआ है अराउंड 50 मिलीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक स्क्रू है और पीछे इसको हम रॉड के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि आप ये पूरी की पूरी बोन हटाकर स्पाइन को डीकम्प्रेस करते हैं, नसों को खोल सकते हैं और स्पाइन फिक्सेशन करने के बाद पेशेंट अगले ही दिन या 2 दिन ऑपरेशन के बाद चल सकता है। कोई उसको पहले जैसे सर्जरी करते थे 15 साल 20 साल पहले, कोई भी स्पाइन का ऑपरेशन होता था तो उसको कम से कम 1.5 से 2 महीने तक बेड में रहना पड़ता था। स्पाइनल फ्यूजन की वजह से, स्पाइनल फिक्सेशन की वजह से अब पेशेंट को बेड पे लेटने की ज़रूरत नहीं है, अगले ही दो दिन के बाद पेशेंट चल सकता है। बट ऑब्वियस नुकसान आप यहाँ देख सकते हैं, अनलाइक नॉर्मल स्पाइन, जब स्पाइनल फ्यूजन के बाद, फिक्सेशन के बाद पेशेंट जब आगे बेंड करेगा या पीछे बेंड करेगा या रोटेशन करेगा तो जहाँ पर से स्क्रू लगे हुए हैं, जितने भी लेवल्स पे स्क्रू लगे हुए हैं, वहाँ पर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। 0 degree ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल व्हेन देयर इज ए स्पाइनल फिक्सेशन और फ्यूजन। तो वैसे तो अच्छा है कि नसें खुल गई, नसें पर कोई अब दबाव नहीं आ रहा, बट आप समझने की कोशिश करें कि जो पेशेंट फ्लेक्शन भी कर सकता था, आगे भी झुक सकता था, रोटेट भी कर सकता था, अब उसकी वो मूवमेंट पूरी तो ख़त्म उन लेवल पे हो गई, बट देर आर 28 डिस्क है, तो सारा बेंड करना बंद नहीं होता, पेशेंट फिर भी अपने सारे काम कर पाता है लेकिन उसकी काफ़ी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं।